दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में। ये गाय है, 13 घंटे हो गए हैं जेल नहीं गई है, तो इसकी जेल जो है हमें मैनुअली निकालनी पड़ेगी आज से, तो देखते हैं। इसे लगातार मेट्रा लिक्विड दे रहे हैं जेल निकालने के लिए। हमें साथ में सरसों का तेल चाहिएगा, सरसों का तेल या लिक्विड पैराफिन चाहिएगा। तो गाय इधर उधर न भागे तो इसके पैर बांध लेंगे हम, उसके बाद जेल निकालने शुरू करेंगे। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, जिससे दूसरों को फायदा हो। और कसर तो जेब निकालने के लिए इसको खींचेंगे नहीं, तो जेब सावधानी पूर्वक निकालेंगे, टूटनी नहीं चाहिए। जो इसके फोलिकल है, जो इसके आसानी के साथ उंगली की सहायता से जो है निकालना है अलग अलग बिल्कुल। यदि कच्ची है तो छोड़ देनी है, ज़रूरी नहीं है कि पूरी साथ निकले। तो इसके अंदर हमें खींचने से बड़ी दिक्कत हो जाती है, पशु खराब हो जाता है। बड़ी आसानी के साथ निकालनी है, जो कुछ कतरे रह जाते हैं उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। जो आसानी के साथ निकल सकती है छुटाने से वो निकाल दें, बाकी रहने दें। पूरी जेर बिल्कुल ना निकालें, यानी कि खींचे नहीं, इससे पशु आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसकी सावधानी आपको रखनी है, एक विशेष प्रकार की तरीके से निकलती है ये इसको ध्यान रखें आप। एक दवाई जो छटाव वाली दवाई है मेट्रा नेटा कंपनी की, वो देते रहें, बाकी कच्ची जेर जो है वो निकल जाएगी। ध्यान रखें खींचे बिल्कुल नहीं। जेल निकालने के बाद जो है कुछ इंजेक्शन लगाने होंगे, कुछ दवाई रखनी होगी। इसकी बच्चेदानी के अंदर जो है यूट्रस में कुछ दवाई रख दें, फ्यूरेक के नाम से दवाई आती है, 4 गोली की पैकिंग आती है। 4 गोली पूरी निकाल के बच्चेदानी के अंदर रख दें, जिससे इन्फेक्शन पशु को ना हो। और कुछ इंजेक्शन लगाने होंगे जिससे इसको दर्द ना हो और किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने होंगे और विटामिन का इंजेक्शन लगाना होगा, जो हम आपको अभी बताते हैं कौन कौन से इंजेक्शन लगाने हैं। इसे लिखो 3 ऑक्सीलेट 15 ml मेलोनेक्स इंजेक्शन लेना है, जिससे दर्द वगैरह की दिक्कत ना आए, कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए एमोक्सिक्लिन के नाम से आता है, ये लेना है आपको। तो 3 ग्राम की पैकिंग में आता है, पूरा लगेगा। IM इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस कोई भी लगा सकते हैं। 3 ऑक्स के नाम से ये मिलता है मार्केट के अंदर। उसके बाद ट्राइवेट का इंजेक्शन, ट्राइवेट इंटास कंपनी का, ये विटामिन का है, ये लगाएंगे। इसके अंदर B11, B6 और B12, तो ये इंजेक्शन लगाएंगे। इसकी जो डोज होगी वो 10 ml की होगी, तो ये लगाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी सबसे पहले सबसे जल्दी। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।